भारत जैसे कृषि प्रधान देश में पशुपालन और डेयरी व्यवसाय मिश्रित खेती का एक अभिन्न अंग है, जो हमारे देश की 1 अरब से अधिक आबादी को पोषण, खाद्य सुरक्षा और आजीविका प्रदान करता है। श्वेत क्रांति आजादी के बाद से अब तक हमारे राष्ट्र की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। भारत दुनिया का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है, जिसमें हर साल 110 मिलियन मेट्रिक टन से अधिक दूध का उत्पादन होता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने देश में डेयरी सेक्टर के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संस्थान ने डेयरी उत्पादन, प्रसंस्करण, प्रबंधन एवं मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। NDRI द्वारा विकसित नई तकनीकों एवं सेवाओं के विकास के चलते लाखों दुग्ध उत्पादकों, उपभोक्ताओं व डेयरी उद्योग को लाभ पहुंचा है। संस्थान देश में खाद्य सुरक्षा में सुधार लाने, नए रोजगार उत्पन्न करने, गरीबी हटाने और आर्थिक समृद्धि के लिए लगातार अपने अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों पर निरंतर कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना सन 1923 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के रूप में हुई थी। डेयरी पशुपालन की वैज्ञानिक पद्धति का प्राथमिक अनुभव प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी 1927 में NDRI बेंगलोर से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। 1936 में इस संस्थान का विस्तार हुआ और इसे इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया। 1955 में इसे इसकी वर्तमान जगह करनाल में स्थानांतरित किया गया और इसे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का नाम दिया गया। अब बेंगलोर कैंपस इस संस्थान के दक्षिणी क्षेत्रीय केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। 1964 में NDRI ने पश्चिम बंगाल में कल्याणी में एक और क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया। ये क्षेत्रीय केंद्र डेयरी विकास के क्षेत्रीय पहलुओं पर ध्यान देते हैं। 1966 में इस संस्थान को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अंग बना दिया गया। NDRI ने अपनी स्थापना के समय से ही डिप्लोमा और लघु प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिए थे।
संस्थान के पशु प्रजनन अनुसंधान प्रयासों का महत्वपूर्ण उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी द्वारा श्रेष्ठ पशु प्रजातियों की तेजी से बढ़ोतरी करना है। भ्रूण प्रतिरोपण तकनीक की सहायता से एक श्रेष्ठ गाय से एक साल के भीतर 10 बछड़ों का जनन संभव किया जा चुका है। NDRI ने दुनिया में पहली बार भैंस के टेस्ट ट्यूब कटड़े प्रथम का जनन और IVF तकनीक द्वारा भारत के पहले टेस्ट ट्यूब बकरी के बच्चे का जनन करके विशेष ख्याति अर्जित की है। हाल के समय की सबसे शानदार उपलब्धि है एक नई हैंड गाइडेड क्लोनिंग तकनीक द्वारा विश्व में पहली बार भैंस के क्लोन बच्चों का जन्म। इन क्लोन बच्चों का शारीरिक विकास एवं व्यवहार एकदम सामान्य है। पशु जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स द्वारा अनुसंधान से प्रजनन और दुग्ध उत्पादन क्रिया को समझने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय डेयरी पशु मुख्यतः कृषि उप उत्पादों और फसल के अपशिष्टों पर निर्वाह करते हैं। NDRI ने संकर गायों एवं मुर्रा भैंसों में उच्चतर उत्पादन बनाए रखने के लिए संपूर्ण पोषक चारा और मिनरल ब्लॉक के रूप में संतुलित पशु आहार विकसित किया है। निम्न पोषक गुणवत्ता वाले मोटे चारे और कृषि उप उत्पादों की पोषक गुणवत्ता में बढ़ोतरी करने के लिए रासायनिक एवं भौतिक विधियों के अच्छे परिणाम मिले हैं। डेयरी प्रसंस्करण अनुसंधान के क्षेत्र में संस्थान ने कई भारतीय उत्पाद बनाने के लिए नई तकनीकें विकसित की हैं, जैसे खोआ और खोआ आधारित मिठाइयाँ, छेना और छेना आधारित मिठाइयाँ, किण्वित दूध, लॉन्ग शेल्फ लाइफ पनीर, लॉन्ग शेल्फ लाइफ लस्सी, कर्नाटक के कुंडा आदि। लोकप्रिय घरेलू उत्पादों के कई फॉर्मूले औद्योगिक स्तर पर अपनाए जाने के लिए तैयार हैं, जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ला, कुल्फी, रसमलाई, बासुंदी और चीज पूरी। दूध को सीरियल अनाजों के साथ मिलाकर बाजरा लस्सी और बाजरा आधारित दुग्ध बिस्किट तैयार किए गए हैं। दुग्ध संग्रह केंद्रों पर आने वाले दूध के त्वरित परीक्षण से दूध में विभिन्न किस्म की संभावित मिलावटों का पता लगाने के लिए एक किट विकसित की गई है। दूध में एंटीबायोटिक दवाओं के अवशेषों के त्वरित परीक्षण के लिए एक जैविक संवेदी किट, सामान्य दूध में सिंथेटिक दूध का पता लगाने के लिए परीक्षण, गाय और भैंस के दूध की मिलावट की जांच के लिए एक PCR आधारित किट, दूध में मौजूद पैथोजेनिक बैक्टीरिया की जांच के लिए एक PCR आधारित किट और दूध में सोया दूध की मिलावट का पता लगाने के लिए रंग आधारित एंजाइमेटिक टेस्ट को अन्य प्रक्रियाओं व तकनीकों के साथ ही पेटेंट करवाया गया है। डेयरी कल्चर का राष्ट्रीय संग्रहण NCDC देश में डेयरी कल्चर की आपूर्ति की एक अनूठी सुविधा है। NCDC ने देसी किण्वित दूध उत्पादों एवं स्वास्थ्यवर्धक प्रोबायोटिक उत्पादों के लिए डिफाइंड स्ट्रेन स्टार्टर कल्चर्स विकसित किए हैं। NDRI ने भारतीय मानक ब्यूरो और खाद्य मिलावट निरोधक कानून PFA के अंतर्गत दूध और दुग्ध उत्पादों के मानक व मानक जांच विधियां विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैव तकनीकी और फिजियोलॉजी में हाल के विकासों से डेयरी उत्पादन और प्रसंस्करण में नई व उत्साहजनक संभावनाएं सामने आई हैं। संस्थान ने जैव प्रौद्योगिकी और सोमैटिक सेल क्लोनिंग के नए क्षेत्र में नीश एरिया केंद्र विकसित किया है। गौ पशुओं के सभी प्रजनन हार्मोन्स के लिए रेडियो इम्यूनो एसे और एंजाइम इम्यूनो एसे विकसित किए गए हैं, ताकि शारीरिक विकास, प्रजनन एवं ब्यांत और हीट स्ट्रेस के दौरान डेयरी पशुओं की फिजियोलॉजी को समझा जा सके। प्रोजेस्टेरोन एंटीबॉडी, एंटी रैबिट गामा ग्लोब्यूलिन, हार्मोन एंजाइम कॉन्जुगेट्स जैसे कई मूल्यवान इम्यूनो रसायनों के स्वयं उत्पादन से हार्मोन एस्टिमेशन की कीमत में बहुत कमी आई है। ओवी सिंक और हीट सिंक ईस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल का प्रयोग करने से रिपीट ब्रीडिंग और एनिस्ट्रस वाली भैंसों में फर्टिलिटी सुधारने में सहायता मिली है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए डेयरी प्रबंधन और विस्तार क्षेत्र में एक समुचित प्रबंध प्रणाली विकसित की गई है। डेयरी फार्मों और दुग्ध प्लांटों के लिए आर्थिक फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गई है
और विकास कार्यक्रमों के प्रभाव, जिनमें डेयरी और फसल उत्पादन व्यवस्था के बाधा बिंदुओं का मूल्यांकन किया गया है। दुग्ध उत्पादन मूल्य एस्टिमेशन और दुग्ध उत्पादकों और उपभोक्ताओं के व्यवहार को समझने के लिए कई बेंचमार्क सर्वे और लागत अध्ययन किए गए। विचार विमर्श व नवीनतम अनुसंधानों के आदान प्रदान के लिए भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संगठन, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, राष्ट्रीय डेयरी विज्ञान अकादमी और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। NDRI ने ICAR व CSIR संस्थानों, सरकारी विभागों, FAO, यूरोपियन यूनियन के इरास्मस मुंडस जैसे कार्यक्रम और जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज फाउंडेशन इत्यादि से गहन संपर्क बनाया हुआ है। संस्थान को नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट से बड़ी संख्या में अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वित्तीय ग्रांट मिला है। इन परियोजनाओं में NDRI या तो कंसोर्शियम लीडर है या कंसोर्शियम सहयोगी है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का 560 एकड़ का विशाल परिसर प्रयोगशालाओं, कार्यालय, छात्रावास, और HACCP प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय डेयरी पुस्तकालय में डेयरी और संबंधित विषयों पर करीब 50,000 किताबें और 25,000 से भी ज्यादा दस्तावेज व डेटाबेस उपलब्ध हैं। लाइब्रेरी में महत्वपूर्ण भारतीय और विदेशी पत्रिकाएं उपलब्ध हैं और इसके अलावा 2,000 ऑनलाइन जर्नल्स भी उपलब्ध हैं। इस लाइब्रेरी में वाचनालय, इंटरनेट लीज लाइन, रेप्रोग्राफी एवं डिजिटाइजेशन और नवीनतम जानकारी सेवा की समुचित सुविधाएं।
मॉडल का काम करेगी। इसे ICAR के समरूप दिशा निर्देशों के आधार पर तैयार किया गया है। इस वेबसाइट में संस्थान के डेयरी कल्चर संग्रह, वीर्य बैंक, डेयरी पशुओं की उत्पादन क्षमता विवरण आदि डेटाबेस समाविष्ट किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.ndri.res.in में आपका स्वागत है।